नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 का छठा भाग हम कर रहे हैं। हमें जांचना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो यह है एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 होल स्क्वेयर। तो देखो बच्चों, लेफ्ट साइड पर तो यह एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 1 है, राइट साइड पर हमारे पास एक ब्रैकेट है जिसका स्क्वायर है, ये बनता है ए माइनस बी होल स्क्वायर, है ना बच्चों, ए माइनस बी होल स्क्वायर। और हमें पता है कि ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होता है ए स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी बी है टू तो टू का स्क्वायर। आइए हम इसे हल करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर, ये बन गया माइनस 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स, 4x प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इन तीनों रकमों को बराबर के इधर ले आएंगे। तो बराबर के इधर पहले से ही ये रकमें हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इनको नहीं हिलाना है। एक्स स्क्वायर, इसके साथ यदि कोई निशान नहीं है तो ये है प्लस। अब ये प्लस एक्स स्क्वायर है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। ये है माइनस 4x, जब ये बराबर से इधर जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस 4x है, यहाँ आके हो जाएगा प्लस 4x। ये है प्लस 4, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस 4 बराबर। ये तीनों रकमें उधर चली गई तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा राइट साइड पर, इसका मतलब राइट साइड पर बचा है 0। अब हम यदि बच्चों ध्यान से देखें तो ये है एक्स स्क्वायर, ये भी है एक्स स्क्वायर, और कोई एक्स स्क्वायर वाली रकम है नहीं। एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस हो गया 0। अब हमारे पास ये है प्लस 3x और ये है प्लस 4x, तो 3x प्लस 4x दोनों प्लस की हैं तो प्लस हो जाएंगी, बन गया 7x। उसके बाद है प्लस 1 माइनस 4, इनके साथ x नहीं है, इनके साथ भी x नहीं है, तो प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 निकाला 3, साथ में साइन बड़ी रकम का, बड़ी रकम है 4, इसके साथ निशान है माइनस का, तो 3 के साथ भी निशान आ जाएगा माइनस का। ये भी हो गया, 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 बाकी बचा बराबर 0। अब यदि आप इस समीकरण को ध्यान से देखें तो इसमें एक्स स्क्वेयर वाली रकम नहीं है, नहीं है ना, एक्स है, एक्स स्क्वेयर वाली रकम नहीं है, तो हम लिखेंगे यह है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, है ना। और यदि ये इस ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण होने के लिए एक्स की पावर जो है सबसे बड़ी 2 होनी चाहिए, जो कि इसमें नहीं है। तो हमारा उत्तर आ गया यह द्विघात समीकरण नहीं है। यही हमें पता करना था कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि ये आपको समझ आया तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।